प्रोफेसर अनिल गुप्ता लोक विद्या और नवोन्मेष के विद्वान हैं। उनका जन्म 1953 में गंगागढ़ गांव में हुआ, जो कि यूपी में है। अनिल की पढ़ाई हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में हुई और फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल की। वो 36 साल तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे और वहाँ उन्होंने कई शोध यात्राओं का गठन किया, जो भारत भर में घूमकर ज़मीनी स्तर पे लोगों से लोक विद्या की शिक्षा प्राप्त करते रहे। वो हनी बी नेटवर्क के भी स्थापक हैं। अनिल की किताब का नाम है ग्रासरूट इनोवेशंस, माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स। उन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें एशियन इनोवेशन अवार्ड और प्यू कंजर्वेशन स्कॉलर अवार्ड मिल चुके हैं। नमस्कार अनिल जी, वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी की तरह आपसे भी पहला सवाल वही है कि व्हाट इज योर अर्लीस्ट रिकॉलेक्शन ऑफ ईदर द आइडिया और द एक्सपीरियंस ऑफ नॉन वायलेंस। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो बचपन से मैं काफ़ी खामोश था शुरू में। और मुझे बताती हैं मेरी मदर के, मेरी माता जी के, कई बार मैं मिट्टी खा लेता था बहुत छोटा था जब, और पूछते थे क्या खाया तो मना कर देता था। तो मुझे चींटियों से भी लगाव था और चींटियों को भी मैं कुछ खाने को दे देता था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। और हमारे यहाँ एक प्रथा भी थी शायद कि भिजाओ थोड़ा सा चींटियों को, आटा डाल के आओ या कुछ चीज़ डाल के आओ। तो एक तो वो था कि भाई चींटी की भी चिंता होती है हमारे समाज में, मतलब कोई भी जीव छोटा नहीं है। मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो मुझे एक झाला भाई हैं, मिलते हैं वो यहाँ पर ही अहमदाबाद में, और वो एक झोला भर के आटा लेके चलते हैं सुबह, और जगह 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 जहाँ जहाँ उनको चींटियों के घर दिखते हैं, चींटियाँ दिखती हैं, उनको आटा डालते जाते हैं, उनका ये नित्य क्रम है। तो मतलब ऐसे हमारे समाज में ये बात है कि अगर करुणा या सहिष्णुता होनी चाहिए तो वो चींटी के लिए भी होनी चाहिए, खाली सिर्फ कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, बड़े टाइगर के लिए हो या शेर के लिए होगी या औरों के लिए होगी, ऐसा नहीं है, मतलब सबके लिए है। तो ये जो चींटी वाली बात मुझे याद आती है, क्योंकि चींटी की हमने कहानी पढ़ी थी, वो चींटी को, एक हाथी को तंग करता था वो, मतलब हाथी को अगर आप चींटी चली जाए उसकी नाक में तो हाथी बौखला जाता है, मतलब छोट कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी निस्सहाय नहीं है, अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो आपको सिखा सकता है कि आपकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक कहानी और भी है कि जैसे हाथी जमीन पे ताकतवर है, मगरमच्छ पानी में ताकतवर है, तो एक हर हर की एक जमीन है जिसपे उसकी ताकत को आजमाया जा सकता है। अब कई बार कमजोर लोगों की जमीन जो होती है, उस जमीन को हम लोग हथियार लेते हैं या उसको हम जमीन पे नहीं खड़े होने देते, तो वो कमजोर जाते हैं, वरना तो कमजोर कोई होता नहीं है। हमने तो ये साबित किया है पूरे देश में घूमकर शोध यात्राओं के जरिए कि भाई जिनको हम गरीब समझते हैं आर्थिक रूप में, वो दिमाग से तो गरीब नहीं है। तो मतलब कि हर एक को आप जगह दे दीजिए खड़े होने की, उसकी ताकत बाहर आ जाएगी। और ये जो अहिंसा है या हिंसा कहें इसका, हिंसा वही होती है जब किसी की जमीन छीन लेते हैं, किसी की पहचान, किसी की जमीन, किसी की ताकत का आधार जब हम ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हम निर्बल बना देते हैं और उसका उसको भयभीत भी कर देते हैं कई बार, डर भी लग जाता है कई बार, क्योंकि वो अपनी जगह होती तो कुछ भी कर सकता था ना। कहते ना, हर एक गली का भी, हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है, तो वो वाली बात है कि अगर गरीब को या किसी व्यक्ति को, कोई भी हो, उसकी जगह आप छीन लीजिए तो फिर वो निस्सहाय जैसा महसूस करेगा, आउट ऑफ वाटर बोलते हैं ना, फिश आउट ऑफ वाटर वाली बात है कि वो फिर वल्नरेबल हो गया, मतलब आपकी स्थिति में उसकी जो पहचान थी या ताकत थी वो अब नहीं है उसके पास, तो आप उसको फिर शोषण करेंगे करेंगे शोषण की शोषण करने का ये भी एक तरीका है ना, कि अगर किसी की जो ताकत है उसको कमजोर कर दिया जाए
उसको छीन लिया जाए तो फिर वो आप उसका शोषण करने में आसानी रहती है। बड़े होकर आपने अहिंसा एक जो कि एक मतलब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अपने हक के लड़ने के लिए अहिंसा का एक साधन माना आपने कि आपको अहिंसा फिर भी एक सांस्कृतिक ताकत के रूप में दिखी मेथड और फिलोसफी मेथड और वे ऑफ लाइफ आई मीन सॉरी पॉलिटिकल मेथड और वे ऑफ लाइफ। सच कहूं तो मैं कई विरोधाभासों से गुजरा हूं। एक जमाना था जब मैं सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छा मानता था और गांधी जी को कमजोर, ये सच्चाई है। कॉलेज में था जब, और उसका कारण था मुझे लगा कि गांधी जी ने एक तो जब कांग्रेस के चुनाव में वो हार गए पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनके कैंडिडेट थे उनके जो नियुक्त चुनाव के अंदर जिनका उनका पूरा समर्थन हासिल था वो जब हार गए तो उन्होंने कोई ना कोई मुश्किल पैदा करके सुभाष चंद्र को बाहर करवा दिया। तो मुझे काफी समय तक ये लगा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ अन्याय हुआ और अगर उनके वो सही तरीके से न्याय मिला होता तो शायद देश की स्थिति अलग होती। फिर बहुत साल बाद एक नॉवल पढ़ा था मैंने मैंडरिन सुमांदु बुवा का, जयपाल सात के साथी थी, या ये कहिए कि जयपाल सात उनके साथी थे। तो उसने इस नॉवल में एक जगह बताया है कि एक लमोन तो एक अखबार है उसका एडिटर थे, मतलब नॉवल में एडिटर है लेकिन वो सात्र का ही एक तरीके से कैरिकेचर था। तो एक जर्नलिस्ट को एक अखबार ने भी उसको भेजा वहां रशिया में देखने के लिए कि क्या वहां पर कंसंट्रेशन कैंप है, ऐसी जगह है जहां पर बुद्धिजीवी कर्मजीवी किसी को भी वहां पर डाल देते हैं जिससे आपकी राय अलग होती है तो, और यातनाएं देते हैं उनको। तो ये पत्रकार गया वहां पर, उसने पता लगाया, उसको सबूत मिल गए कि हाँ ऐसा है। तो वापस आया तो एडिटर के सामने संपादक के सामने बड़ी दुविधा थी, अगर छापता हूं तो जो वामपंथी विचारधारा है उसका नुकसान होगा, नहीं छापता हूं तो पत्रकार की जो नैतिकता है उसका नुकसान होगा, क्या करूं। उसने नहीं छापा और वो का नॉवल चलता है आगे। मैंडरिन बहुत बड़ा नॉवल है लेकिन वो मतलब दिखाता है कि सुमांदु बुवा को बेचैनी रही इस बात की कि एक बात थी सच्ची बात थी और अन्याय हो रहा था लेकिन हमारी विचारधारा की वजह से उसको नहीं लाया गया। मुझे फिर बाद में समझ में आया बहुत साल बाद कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंसा का साधन लेकर आजादी पाता तो क्या वो हिंसा जैसे रशिया में हुआ वो कमजोरों के खिलाफ गरीबों के खिलाफ अंततः इस्तेमाल नहीं होती क्या। तब मुझे लगा कि गांधी जी के पास बात तो सही थी, उनकी तरीका गलत था उनका, लेकिन उनकी बात तो सही थी कि अगर हिंसा के जरिए जब चौरी चौरा में भी उन्होंने किया वो कि जब चार पुलिस कर्मियों की हत्या हुई तो उन्होंने कहा मैं स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन वापस लेता हूं। तो मतलब कि हिंसा के जरिए यदि ताकत को पाया जाएगा तो वो ताकत सबसे पहले कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये जो उनका विश्वास था कि सत्ता नीति पे हावी हो जाती है, सत्ता करुणा पे हावी हो जाती है, सत्ता संबंधों पे हावी हो जाती है और अपनी ताकत को, ताकत अगर है तो उसको दिखाना तो पड़ेगा आपको, वो ताकत आप दिखाएंगे कैसे, कमजोर को ढूंढते हैं आप, फिर आप स्वतः ही जब एक व्यवस्था ऐसी बनाते हैं जिसमें कमजोर और कमजोर होता है इससे आप अपनी ताकत को दिखा सकते। तो फिर बाद में मेरी समझ में आया कि नहीं गांधी जी की बात सही थी, अहिंसा ही एक रास्ता था जिसके जरिए हम सहिष्णुता और करुणा पैदा कर सकते थे। लेकिन सच में तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं जो हमने शोध यात्रा में सुनी थी और अजीब सी कहानी है लेकिन अच्छी कहानी है। तो क्या हुआ कि एक किसान अपने बैल बेचना चाहता था तो कई लोग आए, किसी ने बोला 3,000 दूंगा, किसी ने बोला 4,000 दूंगा, एक आया उसने बोला मैं तो 1,500 रुपए दूंगा। तो किसान बोला ले जा। तो उसके बच्चे ने कहा ये क्या बात है यार, देखो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे देने वाले आए थे और तुमने नहीं दिया उनको और ये 1,500 वाले को तुमने दे दिया, बात क्या है। बोला तुमने देखा वो बीड़ी पीता है। तो बेटा बोला किसान का हाँ वो तो मैंने देखा। तो बोला कम से कम जब ये बीड़ी पिएगा ना तो किसान बैल को आराम देगा। और मुझे लगा अरे वाह
मतलब कि भाई मैं बेच तो रहा हूं, मेरा संबंध थोड़ी खत्म हो रहा है। बैल मेरे जो है वो आराम तो पाएंगे उसके पास, कभी कभी तो पहले रुकेगा, चलाता तो नहीं रहेगा, उनको थमेगा। बहुत खूब। तो मतलब ये समाज जो है ऐसे दृष्टांत पैदा करता है सहिष्णुता के, क्योंकि देखिए हिंसा आप शुरू करिए जानवर से, फिर नारी पर, फिर कमजोर आदमी पर, तो इस तरीके से होता है, उसका क्रम वही है। मतलब आप अपने से कमजोर ढूंढ रहे हैं, और जो बहुत सारा शोषण होता है हमारे यहाँ स्त्रियों का भी और जानवरों का भी और बाकी सब कमजोरों का, लोगों का, तो उसमें क्रम है, और उस क्रम के अंदर शुरुआत कई बार जानवर से भी हो जाती है, जिसमें आप जानवर जो है वो दूसरे जानवर के प्रति कभी कभी सहिष्णुता दिखा सकता है शायद, लेकिन हम लोग नहीं के दिखा पाते। तो हिंसा के कई रूप हैं। गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि अगर किसी के खिलाफ आपने कड़वी बात कह दी, मैं कई बार कड़वा बोल जाता हूँ अपने साथियों से, मेरी वो शिकायत भी करते हैं कि आप जब गुस्सा आता है आपको तो आप बहुत कड़वा कह जाते हैं, चाहे कहते हैं नम्रता के साथी हैं लेकिन कड़वी बात कह जाते हैं। तो मतलब वो भी हिंसा ही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि जब आप किसी को चोट पहुंचाएं मानसिक रूप से भी, तो गांधी जी ने तो उसको भी हिंसा कहा है। तो खाली भौतिक हिंसा ही तो नहीं होती है ना, मानसिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना वो भी हिंसा है। और शायद उस मामले में हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कमी है, हम सबके अंदर हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी का तो चोट पहुंचाई है, जानबूझ के चाहे अनजाने में पहुंचाई है। तो इसलिए वो है ना, पाप का भागी नहीं है केवल व्याघ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये भी एक हिंसा का उदाहरण है, जब अन्याय हो रहा हो और आप निरपेक्ष भाव से बैठे हुए हैं चुपचाप कि भाई मैं तो वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, तो वो भी हिंसा है ना। आप जो कमजोर है उसके खिलाफ हिंसा को होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ अन्याय को होने दे रहे हैं, और आप अपने किनारे पे बैठे हैं जी, तो वो भी हिंसा है। तो इसलिए कई रूप है हिंसा के। मैं जानती हूँ कि ये इसी व्यापक समझ से आपने ये शोध यात्रा की परंपरा को बनाया, या पहले तो एक वो प्रयास था, अब वो आज परंपरा बन चुकी है। तो ये जो आपकी व्यापक समझ बनी, इसमें से शोध यात्रा का कैसे निर्माण हुआ वो थोड़ा अपना अनुभव बताइए, और शोध यात्रा के माध्यम से या उसके जरिए आपने कैसे ये ढांचागत जो हिंसा आपको दिखी, कैसे आपने उसको हल तो पता नहीं बट उसके लिए जवाब ढूंढने का जो प्रयास था, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। हम लोग शोध यात्राएं करते हैं, गर्मी में जाते हैं जहां गर्मी होती है, ठंड में जाते हैं जहां ठंड होती है। तो पहली बात तो ये थी कि एक जिसको कहना चाहिए कि स्वयं सेवी भाव से आप दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं, तो दूसरे को साबित नहीं करना पड़ता कि आप सच्चे हैं या आपकी नीयत साफ है। अब 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप जाएंगे बर्फाली में, बर्गर में उड़ीसा में बात करने के लिए, या अमरेली में या भावनगर में, तो लोग पूछेंगे नहीं आप क्यों आए हो, क्योंकि उस समय में तो कोई आता नहीं है ना, वरना चल पैदल चल के वो भी। एक तो बात ये लगी कि समाज में तकलीफ उठा के जो बात करे, भोग कर जो बात करे तकलीफ, उसकी बात समाज सुनता है, और हमने अनुभव किया इसको, बार बार अनुभव किया। हमें कभी अपने मंतव्य को, अपने मंजिल को, अपनी बात को जिद नहीं करनी पड़ी उसको समझाने के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, हम सीधे बात पे आते थे। तो एक मुझे लगा कि समाज में, और शायद काफी समाज में ऐसा होगा कि जहां पर वॉलंटरी सफरिंग जिसको बोलते हैं, कि आप थोड़ी सी वेदना स्वयं स्वीकार करें, अपने ऊपर स्वयं अनुभव करें, उसके बाद अगर आप अपनी बात कहते हैं तो वो सुनी जाती है। तो मुझे लगा कि एक तो हमें ये करना चाहिए कि हम, और उससे दूसरी बात ये भी है कि वही लोग आएंगे फिर जो थोड़ा सा वेदना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो अंग्रेजी बोलते हैं कि प्रोसेस डिटरमिन द पर्पस, आपका जो प्रक्रिया है
उससे आपकी मंजिल तय हो जाती है। हमारे तरीके गलत होंगे, कितनी भी नियत अच्छी हो, मंजिल फिर सही होने वाली शायद नहीं है। वो मीन्स एंड एंड्स वाली बात है। गांधी जी कहा करते थे ना कि सही तरीके से सही रास्ते तक पहुंचना है, तरीके गलत हैं तो कितना भी सही रास्ता हो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। एक तो बात ये समझ में आई, हालांकि इतना सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ, लेकिन उस समय तो ये स्वाभाविक सा लगा था कि भाई जब जाना है लोगों के पास तो ऐसे समय में जाओ जब उनको ये ना लगे कि आप घूमने फिरने आए हो। दूसरी बात थी कि एक छोटे सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से समाज करुणा को पैदा करता है और किस तरह से स्वाभिमानी, देखिए स्वाभिमान और स्वाभिमान या आत्मसम्मान और हिंसा का बड़ा नजदीकी संबंध है। आप सबसे पहले हिंसा जब करते हैं जब किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं, किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग पंचमहल से उतरे, पहाड़ी से नीचे झबुआ की तरफ गए, बहुत सब गर्मी थी, बहुत प्यासे थे, थोड़ी दूर में गए थे, एक झोपड़ी दिखी, एक ही झोपड़ी थी, वहां पर काका थे, उनसे कहा कि काका प्यास लग रही है, पानी मिलेगा? बोले हाँ जरूर मिलेगा, बैठ जाओ सब लोग। हम 30-35 लोग थे शायद, तो उन्होंने पानी हमको दिया, हमने पानी पिया। आसपास कोई पानी का साधन स्रोत का दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा बाबा पानी कहाँ से लाए? बोले वो दूर उधर एक कुआं है वहां से लाते हैं। तो हमारी अज्ञानता देखिए या हमारी बेवकूफी देखिए, हमने कहा अच्छा बाबा हम पानी ला रहे हैं वहां से जाकर, क्योंकि अब तो सारा पानी हमने पी लिया। तो बोले ऐसा है, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इतना गरीब नहीं हूं कि तुम पानी न पिला सको। तो हम शर्मसार हो गए, लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि वो सबक जो उन्होंने सिखाया उस दिन अभी तक याद है। हमने उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचा दी थी, अनजाने में हमने हिंसा की। देखिए मैं सचता हूं बात, लेकिन की तो थी, क्योंकि पानी तो पांगा था, लेकिन उनके लिए एक पथिक को, एक प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम था। आप उनसे पुण्य भी ले जा रहे हैं, उनकी इज्जत आपने, उनके एक तो पानी पिया, दुआएं देते तो अलग थी बात, आपने चोट लगा दी। तो वो तकलीफ अभी भी है दिल में कि कई बार हम जब किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं और हम महसूस नहीं करते कि वो भी हिंसा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन परिधियों को, उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया जिनसे एक व्यक्ति जीता है, आप तकलीफों में भी जीता है और जीते हुए भी अपना आदर भाव और अपना आतिथ्य भाव, अपना अपनी जो इंसानियत है उसका बनाए रखता है। तो ये जो इंसानियत का तकाजा है इसको कमजोर किसने किया? तो शायद कभी कभी हमारा जो एक पूर्वाग्रह है कि हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और कई बार हम चीजों को नापना तोड़ना शुरू कर देते हैं, और वो जो नापने तोड़ने का तरीका है उससे भी हिंसा होती है। मेरे बाबा कहा करते थे कि भाई कोई एक इंच का एहसान करे मील भर का मानना, हमेशा कर्जे में रहोगे लेकिन सुखी रहोगे। नहीं, ये थोड़ा फिर से समझाइए। हमारे दादा थे, वानप्रस्थी जी थे, वो मतलब वानप्रस्थ थे, लिए था उन्होंने, उजालापुर में आश्रम में रहते थे, हर बार विरक्त वानप्रस्थ आश्रम में 40-45 साल रहे। तो वो जब हम गर्मियों में जाते थे उनके पास, तो ऐसे कभी कभी बैठ के बात करते थे, बताते थे, तो बोले भाई देखो कोई एक इंच का एहसान करे उसको मील भर का मानो, एक मील का एहसान कर दिया, कर्जे में रहोगे हमेशा लेकिन सुखी रहोगे। आभार, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, एक समाज जिसमें हम आभारी महसूस करें, दूसरों का एहसान हम पर हो गया अगर उन्होंने थोड़ी सी भी करुणा दिखाई, वहां हिंसा नहीं आएगी, वहां हिंसा नहीं आ सकती, क्योंकि आप हरेक की छोटी छोटी भलमन साहब के कायल हैं, आप उसकी उसका इतना बड़ा कर्जा मान रहे हैं, हिंसा कैसे करेंगे? हिंसा के लिए तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो कहीं ज्यादा है, वो कम है, वो भी बिना हक के ले रहा है, तो मुझे उससे वो लेना है, या मेरा एहसान है उस पर, या मेरा एहसान है उसके ऊपर। तो जहां आपने कहा कि मेरा एहसान है उसके ऊपर, आपने तो दबा दिया ना उसको नीचे, अब तो आप और कहीं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए आगे, तो फिर आप उसका शोषण करने का अधिकार मिल जाता है आपको।
एक बार महेंद्रगढ़ की बात है, हम लोग काम कर रहे, सर्च कर रहे थे महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, तो बात चल रही थी, कर्जे की बात हो रही थी कि किस तरीके से किसान जीते। एक किसान बोला, देखो साहब, ये हमारे हगने आता है हमारे खेत में और पैसा लेने जाता है, काम करने जाता है किसी और के खेत में, ये कैसे करेगा? इन अदर वर्ड, दे हैड कमोडिटिफाइड द एक्सिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब उनका कहना यह था कि तुम कर्जा अगर हमसे लोगे तो हमारे खेत में जाओगे, जैसे स्कॉल के लिए खाद हमारे खेत में लगनी चाहिए, कर्जा हमसे लेते जाते किसी और के खेत में हो। कैन यू इमेजिन? आपका, आपको क्योंकि मैंने कर्जा दिया है, आपने बताया कि जैसे हमें एहसान दिखाता हूं, एहसान देखा आपने, कितना बड़ा दिखा दिया मैंने। ये समाज कैसे बोलता है? तो बोला, तुम्हारी जो खाद लगा रहे हो मिट्टी में, वो खाद मेरे खेत में लगाओ और कहीं जाओ। तो चौंका था मैं पहली बार जब मैंने सुना था, लेकिन समझ सकता हूं कि हमारा समाज किस तरीके से दबाव डालता है। जी डोमिनेंस, ये जो दबाव डालने की प्रक्रिया है ना, ये भी एक आधार है हिंसा का। क्योंकि जब हम अपनी ताकत को दूसरे पर दिखाना चाहेंगे तो किसी ना किसी रूप में तो मुझे अपनी ताकत को, और दूसरा आदमी, अगर दूसरा व्यक्ति अगर थोड़ा सा जिद्दी हो जाए, थोड़ा सा स्वाभिमानी हो जाए, क्योंकि जिद कहीं ना कहीं तो स्वाभिमान से पैदा होती है ना, और देखा जाए तो दुनिया में कोई भी अच्छा काम बिना जिद के हुआ भी नहीं है, तब आप अंदाजा लगा लो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि आप जिद्दी हैं और आप कमजोर हैं आर्थिक रूप से, कहिए सामाजिक रूप से, और मुझे आपकी जिद तोड़नी है, क्योंकि अगर आपकी जिद रही तो आप समाज को बदल देंगे। ये जो संतुलन है ना सत्ता का, इसको आप, इसको खतरा अगर है तो उन जिद्दी लोगों से है जो छोड़ते नहीं, अपने मन की बात करके ठानते हैं, वो उनकी जिद तोड़नी है मुझे, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो वो जो प्रक्रिया है जिद तोड़ने की, लोगों की, ऐसे लोगों की जो स्वाभिमानी भी हैं, चाहे कितने भी गरीब हों, कितने भी कमजोर हों, वहां हिंसा आवश्यक आधार, औजार बन जाती है एक सत्ता का। तो मैं नहीं समझता कि हिंसा को केवल खून खराबे के रूप में देखना चाहिए। हिंसा सच में कहा जाए तो किसी का भी हित खंडित हो, किसी का भी हक छीना जाए, किसी का भी, किसी को भी अन्याय के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाए, तो वहां हिंसा तो हो ही रही है मेरी समझ के अनुसार। तो ये जो अब करीब कितने 25 साल हो गए आपको शोध यात्रा करते हुए? नहीं नहीं ज्यादा हुए, मतलब हमारे हनीबी नेटवर्क तो शुरू हुआ 33 साल पहले, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ 25 साल तो ज्यादा हो गए। हाँ ठीक, ज्यादा। तो 25-30 सालों में ये इस प्रकार की हिंसा जो आपको जमीन पे देखने को मिली, वो और गंभीर होती चली जा रही है कि कुछ उसमें बदलाव आए हैं और उस और हिंसा कम हुई है कि ज्यादा हुई है? सच कहूं बात, अब ये तो को विरोधाभास आएगा इसमें अंदर, हमें करुणा बहुत मिली है, शायद हम ढूंढ रहे थे उसको, इसलिए वो है ना, जिन खोजा तिन पाइया। अगर हम ढूंढते सिर्फ हिंसा तो शायद हमको हिंसा ही मिलती, हमको बस्तर में भी करुणा मिली, हमको घर चिरौली में भी करुणा मिली, आपके प्रति करुणा। लेकिन जो जिन लोगों से आप मिले उनके अपने समाज में, उन आपस की जो उनके रिश्ते हैं और उसमें मैं जानना चाह रही हूँ, यू नो, फॉर एग्जांपल अपने पीवी राजगोपाल जो हैं, वो कई कुछ साल छोड़कर यात्राएं करते हैं देश में, करते हैं। तो उनका कहना है कि ये लास्ट उन्होंने यात्रा की करीब 4-5 साल पहले, तो ही इज फाइंडिंग एन एक्सपोनेंशियल राइज इन इंटर कास्ट एंड इंटर क्लास वायलेंस। उनका तो कहना है कि मतलब वायलेंस को नॉर्मल मानना जो है बहुत प्रवेसिव हुआ है। देखिए, अगर आप प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ें
और उसमें जो हिंसा है उसको अध्ययन करें, तो आपको लगता है वो हिंसा बड़ी है उस रूप में, जहां एक जमींदार एक कमजोर एक मजदूर का शोषण करता था? नहीं, वो नहीं बड़ी। क्यों नहीं बड़ी? उसका कारण है, पहले हम बात कर लें सामंतवादी हिंसा की, है ना, सेमी फ्यूडल समाज है। तो उसमें क्या हुआ है कि जब काफी लोगों के पास पैसा आया और उनमें आपस में मुकाबला हुआ मजदूरों के लिए, अपने साथ लोगों जोड़ने के लिए, तो उन्हें थोड़ा नम्र बनना पड़ा। मजदूर नहीं काम करेंगे आपके साथ, वरना इतना आसान नहीं रहा शोषण करना। अब तो मैं सहमत नहीं हूं उस बात से। हम कुछ भी कहें, आपने तो बाजार पर किताब भी लिखी, आपको मालूम होगा, मतलब आप मानेंगे कि जब बाजार जब फैलता है तो वो कुछ हद तक खरीदार और बेचने वाले के बीच का जो संबंध है उसमें विभिन्नता भी लाता है, और कहीं 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 पर सब एक पलड़ा जो खेल वो जो सीसो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें बच्चे खेलते हैं ना, ऐसा सब, तो वो जो पलड़ा है वो कभी इधर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा दबा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, व्यापार होगा नहीं, फिर बाजार चलेगा नहीं। तो खुले बाजार की बात, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जहां पर आप उसको मैनिपुलेट कर लें या उसको आप उसको तोड़ दें उसके नियमों को, और शोषण, वो तो बाजार में शोषण तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मैंने, क्योंकि काफी साल शुरू में मैंने अध्ययन किया ऋण व्यवस्था का, तो जो ब्याज की दर है पहले, और बहुत जगह अभी भी है, सब्जी लेने सब्जी का जो बेचने वाले बहन या भाई हैं, तो वो 100 रुपये में, 100 रुपये की सब्जी में 90 रुपये की लेते हैं, 10 रुपये दे देते हैं एक दिन का। सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं तो उनको 100 रुपये की सब्जी में 90 रुपये की मिलती है, 10 रुपया उनका एक दिन का ब्याज काट लेते हैं। एक तो ये हालत है शोषण की, जो आज भी है, शहरों में है। दूसरा, गांव में अगर आप कर्जा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे देने वाले हो गए अब कर्जा देने वाले, तो ब्याज की दर कम हो जाती है, 1 रुपया सैकड़े पर मिल जाता है, यानी कि 12% पर मिल जाता है 1 रुपया महीने का। तो मतलब कि कुछ मायनों में हिंसा कम हुई है, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, ये बात सच्ची है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मध्यम वर्गीय सब परिवार हो। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, क्या हुआ, मैंने IIT बॉम्बे में 200 बच्चे थे क्लास में, प्रोफेसर चक्रवर्ती, बीके चक्रवर्ती, और हम दोनों पढ़ा रहे थे क्लास डिजाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, वो मैंने फिर IIM में भी किया, दोनों जगह दोहराया इस बात को। मैंने बच्चों से पूछा, भाई बताओ ठंडा खाना घर में कौन खाता है? तो बच्चे सकबका गए थोड़ी देर के लिए। मैंने बोले, नहीं बताना पड़ेगा। बोले, सर माँ खाती है। तो मैंने कहा, आप तो बहुत ज्यादा बराबरी चाहते हो ना समाज के अंदर, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते हो, तो ये क्या हो रहा है? पहला अन्याय तो आप अपने घर में कर रहे हो, अपनी माँ के साथ कर रहे हो, उसने क्या पाप किया भाई, इसको ठंडा खाना मिलेगा और आप गर्म खाओगे? तो एक हफ्ते तक आपको रोटी बना के खिलानी है उनको, और हमें फोटो भेजनी है आपने पहली रोटी कैसे बनाई और एक हफ्ते बाद रोटी कैसी बनी, ये एक्सरसाइज दी गई उनको करने के लिए। थोड़ा बहुत आशीर्वाद तो मिला होगा उन माओं का हमको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सोचिए तो सही, संस्थागत हिंसा है ये, जिसको हमारे समाज ने चुपचाप रहकर मान्यता दे दी, वात्सल्य और प्रेम के अंदर उसको ढक दिया उसे। अरे भाई, माँ प्यार करती है तो आप माँ को प्यार नहीं कर सकते? माँ ही करेगी सिर्फ, माँ तो कहेगी हाँ गर्म गर्म खा लो, तो आप नहीं कह सकते माँ को कि आप भी गर्म खा लो? मतलब कि हिंसा जो है ना, उसको हम सच में देखें तो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो व्याप्त है ना शोषण, वहां से शुरू करनी चाहिए बात को। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में महिलाओं के साथ आदर पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा,
उनका उनके अधिकारों की रक्षा भी नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, उनके व्यक्तित्व के अंदर वो स्वाधीनता नहीं देगा जिससे वो अपना विकास कर सके, वो क्या समाज में करेगा फिर। तो कहीं ना कहीं हम लोग शायद बहुत ज्यादा व्यापक ऐसा उसको रूप देकर समस्या को अपने को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम दखल देंगे ना, तो हमें वो जब दिखेगा जहां हम हिंसा कर रहे हैं, जहां हम हिंसा कहें। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस चर्चा को शोषण, अन्याय, गैर बराबरी और किसी दूसरे का हक लेने की कोशिश और दूसरे का हक मारने की कोशिश से जोड़ना चाहिए। हिंसा क्यों होगी वरना? आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे कुछ करवाना चाह रहे हैं और जब वो नहीं कर रहा है या कर रही, तो आप उस पे हावी हो जाते हैं। जी जी। और दूसरा ये ना कि अब ये जैसे आपने जो माँ ठंडा खाना खाती है, ये जो आपने उदाहरण दिया, ये तो उस बात का भी प्रतीक है कि कैसे हमने खुद इन मान्यताओं को स्वीकारा है और बनाया है, जहां तक मतलब उस हद तक कि एक महिला समझती है कि ये उसका फर्ज है, कर्तव्य है कि वो आखिर में खाए जितना बचा, जो बचे वो खाए, जो बचे वो खाए, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज दूसरों को खिला दे। ये एक पर इसमें देखिए एक बड़ी एक किस्म की एक मिस्ट्री है कि इसी समाज में से बड़े अनोखे तरीके निकले झगड़ों को सुलझाने के और गलत काम को रचनात्मक रूप से दंड देने के। आपने बहुत तो वो उसमें भी हमारे समाज के अंदर का जो इतनी ये विडंबनाओं के बावजूद अहिंसा के प्रति एक हमने जो तार जोड़ी रखी, वो उस पे थोड़ा और बताइए कि वो कैसे हुआ। बहुत साल पहले आपने कहानी सुनाई थी उस आदमी की जिसने गांव के जो एक मैं बताता हूँ उसको, आपको मैं सुनाता हूँ। वो आप सुनाइए। एक 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 व्यक्ति एक दिन तीन गांव की शामिलात का जंगल था, तीन गांव के शामिलात का जंगल था और जहां पर पेड़ लगा रखे थे, रेगिस्तान का इलाका था, पेड़ बचा रखे थे वहां पर, औरन की जमीन बोलते हैं, औरन जहां पर देवी देवताओं के लिए कह देते हैं, वहां से अगर कोई सूखा भी पेड़ लकड़ी पड़ी है तो कोई लेता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उन व्यक्तियों के साथ दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल होती है जो लकड़ी नहीं खरीद सकते, गरीब से गरीब होते हैं, वरना वो लकड़ी वहीं पड़ी रहेगी सालों तक, कोई उठाएगा नहीं उसको, ये मर्यादा है उस जगह की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो इस औरन में एक व्यक्ति एक दिन पकड़ा गया लकड़ियां तोड़ता हुआ, ब्रांच शाखाएं पेड़ की। तो तीनों गांव की पंचायत बैठी और निर्णय सवाल उठाना शुरू। ये अरुण अग्रवाल ने मुझे बताया था जब वो थीसिस कर रहा था अपनी, उसकी थीसिस में से ये कहानियां निकली थी। तो उन्होंने पूछा, अरे इसने कोई पहले गलती की थी क्या, पहली बार किसी और ने की थी तो हमने क्या किया था, मतलब वो सारे सवाल उठाए जो आज की न्याय व्यवस्था शायद नहीं उठाएगी। कभी मजबूरी थी क्या इसके साथ, ऐसी स्थिति आ गई कि इसको मर्यादा तोड़नी पड़ी थी क्या, सारे सवाल उठाए। अंत में उनको पता चला कि नहीं नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा आलसी हो गया, दूर जाता तो थोड़ा लेके आता था, लेकिन बस वो सोचा किसको पता चलेगा, तो बोले इसको सजा मिलनी चाहिए फिर तो हाँ भाई सजा मिलनी चाहिए। तो बोले 2.5 किलो अनाज नंगे पैर खड़े होकर रेत के ऊपर चिड़ियों को खिलाओ। तो अब वो खड़ा हो गया, जब खड़ा हो गया अनाज खिला रहा है चारों तरफ से, तो बच्चे आके खड़े हो गए आसपास। बच्चे बोले ताओ क्या हुआ? अरे बेटा मैंने ऐसे गलती की थी, मुझे इसकी सजा मिली है, तुम मत करना ऐसे। अब वो बच्चे पूछेंगे तो पेड़ से क्या होगा? तो बोले तेरे को पता नहीं है वो चिड़िया आएंगी जहां पर, और चिड़ियों खिला रहा हूँ क्योंकि चिड़िया तो बैठती है ना पेड़ के ऊपर। मतलब पूरा जो प्रकृति का संबंध है वो बता रहा है बच्चों को। अच्छा फिर गर्मी में खड़ा है रेत के ऊपर, रेत तो गर्म हो जाएगी तो तकलीफ तो है, लेकिन समाज कैसा है, वो कहता है इसको सजा तो दो लेकिन साथ में पुण्य कमाने का अवसर भी दे दो,
किसी को सजा इतनी मत दो कि उसके अंदर अपने को सुधारने की भावना खत्म हो जाए। तो ये जो बात है हमारे समाज की कि उस सजा के अंदर भी उसको थोड़ा सा परोपकार करने का मौका मिल गया, वो सारी चिंताएं उसके दिमाग में पैदा कर दी जो पैदा होने वाली है समाज में यदि हमने उन मर्यादा को ध्यान नहीं दिया। तो वो जो प्रकृति के खिलाफ हिंसा थी उसको बड़े तरीके से समझाया इन समाज ने और उसको ठीक किया। अब देखिए, एक गांव है हमारे यहाँ सुरेंद्र नगर में, मैं जो सामुदायिक संपत्ति होती है इस पर मैं कोर्स पढ़ाया करता था कई साल तक, 6 साल तक मैंने, जिसमें कोई भी आ सकता था, 10 दिन का कोर्स पढ़ाता था, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जिसको बोलते हैं। तो वहां लेके गया मैं सबको, तो बोले साहब ऐसा है कि तालाब है, तालाब में 9 तो हमने मंदिर बना रखे हैं, एक दरगाह है, तो 10 दिशाओं से इस तालाब को हमने बांध दिया, अब कहां से आएगा कोई इसको खराब करने के लिए, जहां से आएगा वो देवी देवता का कहीं तो उसको को भयन कर बनना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगी, उसको पाप लगेगा, तो जो जिसकी मान्यता जैसी हो उसको उसी तरीके से हमने स्थापित कर दिया, कोई से देवता को मानता होगा वो। तो मतलब कैसे कैसे मर्यादाएं हैं पानी को साफ रखने के लिए। हमने एक चबूतरों का अध्ययन किया, मेरे साथी हैं चेतन पटेल, 200 गांव में जो चबूतरे होते हैं चिड़ियों को दाना डालने के लिए, उसका अध्ययन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमारा समाज करुणा का एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। तो एक जगह देखा उसने कि चबूतरे की जो जमीन जिसपे चबूतरा बनाया था वो कंक्रीट था, वहां पर प्लस्तर हो रहा था, उसके ऊपर मिट्टी से लेप कर रखा था। तो पूछा, भाई ये मिट्टी का लेप प्लस्तर पे क्यों कर रखा है तुमने? बोला, सर जो चिड़िया जो जब दाना खाएगी ना उसकी चोंच घिस जाएगी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो चोंच घिस जाएगी तो वो कैसे खाएगी बाद में? फिर चिड़िया की चोंच की चिंता करता है समाज, हिंसा कैसे करेगा? इसलिए राजगोपाल जी ने जो देखा उन्होंने कहा, मुझे जो देखा मैं उसकी बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्याय नहीं बढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गैर बराबरी नहीं बढ़ी है, बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, इसके तो तथ्य हमारे पास कि पिछले 1.5 साल के अंदर कितनी बढ़ गई, अगर आप देखें तो लॉकडाउन पीरियड के दौरान कितनी बढ़ गई, इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को जाना पड़ा नौकरी छोड़कर, ये सब तथ्य है, इसमें तो कोई बात कहने की है ही नहीं। और सच बात है कि उनके साथ भी तो बहुत जरा, मतलब इतने सारे लोगों को हमने देखा था आंखों से कि बच्चे को लिए हुए और अटैची के ऊपर वो शक्ल से निकलती नहीं वो छवि, वो बच्चे को अटैची पे ही उसने बैठा रखा है और खींच के चली जा रही है वो औरत। तो हिंसा तो थी, वो लोगों के पैर में खून निकला था, चप्पलें खुल गई थी, 20-20 लोग एक रेलवे लाइन पे सो गए थे, थक गए थे तो मर गए थे वो। तो मतलब हिंसा एक रूप में तो बड़ी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम खाली उसी की तरफ देखेंगे ना, बढ़ती हुई हिंसा की तरफ, तो हम हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे समाज में रहकर समाज को बदलने की, ये मतलब है मेरा कहने का। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि ये समाज में वो सब तत्व बाकी हैं अभी भी जिनसे समाज करुणामय और सहयोग वाला, मिलके काम करने वाला, लोगों के प्रति नम्रता और करुणा को रख कर काम करने वाला समाज बनता है, बना है अभी भी है कहीं कहीं पर, उसको और फैलाना है। ये हिम्मत कहाँ से लाओगे बताओ, मुझे बताओ, जब चिड़िया की चोंच की चिंता देखोगे तो आएगी ना हिम्मत। तो इसलिए मैं संवाद के माध्यम से आपसे ये कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समाज में अन्याय हो, कितनी भी समाज में हिंसा बढ़े, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है कि समाज में अभी भी वो गुण बाकी है जिसको यदि हम फैला देंगे तो समाज सही हो जाएगा। जो आपकी कहानी में वो जो पेड़ आदमी, जिस आदमी ने गलत तरीके से वहां उस वन में पेड़ लकड़ी चुराई, उसकी कहानी से जो बात निकल के आई ना कि को किसी को इतना दंड मत दो कि उसको खुद को बदलने की और परिवर्तित करने की उम्मीद या ताकत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जी जी, तो इस भाव को हम आज जो अपराध हो रहे हैं समाज में, जिनका अभी आपने काफी डिटेल में वर्णन किया,
इस भाव को हम आज कैसे अप्लाई करें, क्योंकि मैं और खास आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये पूरे ये समझ, ये भाव, ये सहशीन, ये सेंसिटिविटी लेकर आपने एक बिजनेस स्कूल में अपनी वर्किंग लाइफ को गुजारा, और वहां पर जहां लोग केवल अपनी फटाफट एमबीए करके दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में लगने की तैयारी जहां होती है, वहां पर आपने जो कुछ समझा उस समझ के बल पर आप बताइए कि आज हम इस व्यापक जो ग्लोबल स्केल पे ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसको हम कैसे इस भाव से अप्रोच करें, क्योंकि करना तो है बट हाउ। मैं पहले इकोनॉमिक्स का एक कोर्स पढ़ता था आईएमए, पहले 15 साल मैंने फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉलिसी EEP2 का कोर्स पढ़ाता था, कंपलसरी कोर्स था, सारे 180 बच्चे थे, बाद में 400 हुए, चार सेक्शन पढ़ाता था, फिर मैंने दूसरा कोर्स पढ़ाना शुरू किया। तो उसमें जब एग्जाम लेता था तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि शेर की मांद को एक सुखी जू कैसे बनाया जाए, हाउ टू कन्वर्ट ए लायंस डेन इनटू अ हैप्पी जू। मतलब कि शेर की मांद में रहना है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं, रहना उनके साथ है, तो हम सह अस्तित्व का माहौल कैसे पैदा करें, ये पहला सवाल। तो अभी जो स्टूडेंट्स मेरे से कभी मिलते हैं 30 साल बाद जो यूनियन होता है 25 साल, तो कई बार बच्चों को याद है सर आपने वो सवाल पूछा था हमसे एग्जाम में। क्योंकि क्या है कि ऐसी जगह पर जहां बच्चे एक बड़ी स्पष्ट जीवन शैली और जीवन के उद्देश्य को लेके आते हैं, उनके अंदर भी वो बीज बो देना, जिससे वो जब भी उनको फुर्सत मिले या समाज में आगे कभी उनको देखने का मौका मिले तो वो अपने अपने साथ जो कर्मचारी हैं या अपने साथ जिनके साथ वो काम करते हैं उनके उनकी तकलीफों को वो समझें और थोड़ा सहिष्णु बने, ये भी जरूरी काम होता है ना। देखिए अगर हमने, मैं कहता हूँ कई बार कि बेचैनी के बीज बोने हैं, श्रद्धा की खाद लगानी है और लगन का पानी देना है, तब संवेदना पैदा होती है। मैं संवेदना पे काफी चर्चा करता हूँ अपनी क्लास के अंदर, सम माने बराबर, वेदना माने दर्द, जब दूसरे का दर्द मुझे ऐसा ही महसूस हो, उतना ही महसूस हो जितना उसको होता है, तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। फिर स्वांतः सुखाय की भावना से जब मैं सृजनशीलता की तरफ बढ़ता हूँ तो संवेदनशील सृजनशीलता पैदा होती है, एम्पैथेटिक इनोवेशन पैदा होती है। ये मैं उनको पढ़ाता हूँ और वो अपने जीवन में उसके लिए प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने अभी कोर्स खत्म किया, उसमें मैंने एक ग्रुप था उसको मैंने पूछा था, मैंने कहा ये बताओ यार, तुम नॉर्थ ईस्ट से, की थी नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की, तो मैंने कहा कि आप बताओ इस सारी क्लास में से पूछो किसी ने आज तक कोई पूर्वोत्तर में, तो हर घर में हथकरघा होता है, तो किसी ने कोई कपड़ा खरीदा है आज तक वहां से? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, अपने आप से पूछूं, सबसे पूछूं, तो शायद हम में से कोई बहुत रेयर, कोई लगा बिरला जिसने पूर्वोत्तर भारत में बुना हुआ कपड़ा खरीदा होगा। तो उनका प्रोजेक्ट इसी पे था कि मणिपुर पूरे उन्होंने सबका सारे डिजाइन का अध्ययन किया, उसके सारे जो वेंडर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनके पते ढूंढे, उनसे बात की, पूरा प्रोजेक्ट बनाया इसके ऊपर कि कैसे हम एक जगह पर पूर्वोत्तर भारत की जो कला है, जो करगा है, जो वहां के कपड़े हैं, उनका परिचय कैसे दे समाज को। कोई एक जगह उनको नहीं मिली पूरे नेट पर कि मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड के हैंडलूम का फर्क क्या होता है, आसाम के अंदर क्या खास बात है। तो मतलब कि ये बात सही है कि ये मक्का है मैनेजमेंट का, और उस तरीके से देखा जाए तो जो कंसंट्रेटेड मतलब बिल्कुल घने रूप में जो हमारी कंपनियां हैं उनकी जो व्यवस्था है उसका अध्ययन वो बच्चे करते हैं और उसका पास हिस्सा भी बनते हैं। तो अभी मैंने उनको एक काम दिया था, एक असाइनमेंट दी, ये मैंने मुंबई में भी किया, यहाँ भी किया, सब जगह करता हूँ, कि ऐसा करो अभी तुम घर पर हो सब लोग, तो जो तुम्हारी सेवक सेविकाएं हैं उनसे बातचीत करके ये बताओ कि क्या उनसे कुछ सीख सकते हैं, और उनकी एक ऐसी आवश्यकता को नापो जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, अनमेट नीड। तो एक बच्ची बोली, सर पिंकी हमारे यहाँ 5 साल से काम करती है, हमने कभी पूछा ही नहीं इससे
कि वो कहाँ से आई है, उसके घर में क्या है, उसका गांव कैसा था, क्यों आई थी, क्या हुआ था। तो मैंने कहा ये माइग्रेंट है ना, वो माइग्रेंट जो दिखे थे टेलीविजन पर, उससे तुम्हारा दिल थोड़ा ज्यादा का होगा, लेकिन तुम तो खुद तुम्हारे घर में एक माइग्रेंट है, उससे तो कभी बात नहीं की तुमने, तो फिर किस तरह का दर्द था वो। तो उसने कहा, लिखा, एक बच्ची बोली जूही, माइका के स्टूडेंट मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, उसने बताया कि पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए लेकिन दूध खड़े होकर पीना चाहिए। अरे मैंने कहा ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, वहां तो लोग खड़े होकर पीते हैं दूध हलवा की दुकान पर कुल्हड़ में, और पानी हमेशा हमें बोला जाता है कि बैठ के पियो। और बहुत सारी बातें बताएंगे उसने कि कैसे अगर खेत में कीड़ा लग जाता है तो हमारे यहाँ वो कपूर है या और दो चीजें हैं, उनको डाल के उसको फिटकरी को डाल लेते हैं तो उससे मिट्टी के अंदर कुछ कीड़े दूर हो जाते हैं। बहुत सारी बातें सीखी उन्होंने। मेरा मतलब ये है कि ए गुड आर्टिजन डज नॉट ब्लेम हिज टूल, एक अच्छा कारीगर अपने औजारों में कमी नहीं देखता। ये मेरा अनुरोध सभी से है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये हम सब पे लागू होता है और खासतौर से अध्यापकों पर तो लागू होता है क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से कमी नहीं निकाल सकते ना। वो जैसे हैं जहां हैं उनके संस्कारों में थोड़ा सा दरार पैदा करना, थोड़ा सा छेद पैदा करना, थोड़ी सी मुलायम लाना बनाना उनको, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। सही बात। तो मैंने पूरा आनंद के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया है, बड़े मजे के साथ। मैं बहुत कुछ सीखा बच्चों से, और क्योंकि बच्चों में संवेदनशीलता तो बचपन से होती है, देखिए आपको बताऊं, छोटा बच्चा भी होता है, कुत्ता भी होगा ना साथ में, तो कुत्ता छोटे बच्चे को प्यार करता है। मैं देखता हूं अपने आसपास, तो मतलब जीव में भी प्यार है, बच्चे में भी प्यार है, वो दोनों को कोई हिंसा नहीं हो रही आपस में उनके, जबकि वो बच्चा बिल्कुल 3 महीने का बच्चा क्या बचाएगा अपने आप को कुत्ते के सामने, लेकिन नहीं करता ना उसको तंग वो। मतलब ये बच्चा देख, जो बच्चा देखने वाला है वो देखते हैं, छोटे बच्चे को भी ये प्यार से कर रहा है, नहीं उसको कुछ तंग कर रहा है। तो मतलब के अपने से जस्ट क्योंकि कोई कमजोर हो और हम ज्यादा ताकत हो तो जानवर भी समझता है इस बात को, हम क्यों नहीं समझ सकते। तो ये संस्कार तो पैदा होते हैं घर के अंदर बच्चों में, लेकिन हम उनको दबा देते हैं और उनका जो हिंसक रूप है उसको उभार देते हैं। एक तरीका तो मैं ये कहूंगा कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से जो शिक्षाविद है उनके लिए, कि बच्चों को औपचारिक रूप में कहें कि यार बात करो, थोड़ी सी कोशिश तो करो कि कुछ उनसे सीखो, जिनके जो तुम्हारे सेवक सेविकाएं हैं, जो तुम्हारे घर में, जो तुम्हारी गाड़ी चलाते हैं, जो तुम्हारे घर में गार्डन में मालिक का काम करते हैं, जो दूध देने आता है, जो अखबार देने आता है, उससे बात तो करो, पता तो करो कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपने क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आई, विच ऑल्सो मूव्स अस टुवर्ड्स माई कंक्लूडिंग क्वेश्चन। आपने शायद देखी होगी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक हैंडबुक निकाली पॉलिसी मेकर्स के लिए सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पे, तो कवर पे उन्होंने एक बूढ़ी महिला दिखाई जो मणिपुर या मेघालय की होगी, और वो अपने चरखे पे काम कर रही, और मुझे ये बहुत ही एक आयरॉनिक बात लगी क्योंकि जो पूरा ढांचा था अंदर का वो इस बात को नहीं मान रहा था कि चरखे में एक सिग्नल था कि क्या पद्धतियां, क्या प्रोडक्शन रचना के क्या औजार हैं जिनको हम खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी कायम रख सकते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट और आपके जो इतने अनुभव हैं और इतना जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है इस मसले पर, कि क्या वो उत्पादन के तरीके हैं, क्या वो इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं अनिल जी, नवसर्जन या कोठासूझ या नवसर्जन या नवाचार, जी जी, ये जो नवसर्जन और नवाचार के जो इतने अन्य तरीकों पे आपने अध्ययन किया और उनको उजागर किया, इस पूरे ज्ञान के बेसिस पे आज आप क्या एडवाइस देंगे, क्या राय देंगे नौजवानों को जो आर्थिक हिंसा के खिलाफ काम करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई हम कहाँ से
शुरू करें और कहां जाएं? 24 जुलाई 1929 गांधी जी ने एक अंतरराष्ट्रीय आह्वान दिया, दुनिया का पहला क्राउडसोर्सिंग कंपटीशन अनाउंस किया, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार जो चरखे के डिजाइन में परिवर्तन करेगा ताकि महिलाओं को तकलीफ नहीं हो, जो धागा है वो अच्छा बने और कम समय में अच्छा बने, उसमें खर्चा नहीं हो उसको उस चरखे का, तो अंबर चरखा कहा जाता है कि शायद उसी प्रक्रिया का एक असरदार तरीका निकला था, पोर्टेबल हो, मतलब कि गांधी जी इनोवेशन में विश्वास करते थे। उन्होंने एक चैलेंज अवार्ड दे दिया था 1,00,000 रुपए का उस समय का, आज वो 10 करोड़ का होगा। हमको हर उस समस्या के लिए जिसके साथ हमारे समाज ने जीना सीख लिया है उसको मुद्दा बनाना होगा। पहली बात तो अगर हम समस्याओं के साथ जीते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो। जैसे मैंने कहा था कि मैं तो आज बेचैनी के बीच बो रहा हूं, सब जगह जाता हूं जहां जाता हूं। तो पहली बात है कि युवा वर्ग को बेचैन होना है उन समस्याओं के लिए। हम गुरेज वैली में गए कश्मीर में, कारगिल के बराबर में है वो जगह, बॉर्डर पर पहुंचे, वहां से फिर हमने पैदल चलना शुरू किया। गुरेज में चरखा नहीं पहुंचा आज तक, वहां सूत को कितली कतली से बनाते हैं, चरखा नहीं देखा उन्होंने आज तक इस देश में, नहीं पहुंचा वहां तक। उनके लिए चरखा भी एक नई चीज है, वो कपड़े तो बुनते हैं अपने, आप समझ लो उस जो कतली होती है ना, सुई जैसी होती है, उसके नीचे उसको घुमाते हैं, उसके ऊपर से धागा बुनते हैं। तो मतलब कि गैर बराबरी का कि ये इंतहा समझ लीजिए, आपके देश के एक हिस्से में चरखा नहीं पहुंच पाया इतने साल के अंदर, मतलब आजादी से पहले भी पहुंचा नहीं और अभी भी नहीं पहुंचा। तो दिक्कत तो है और हमें उन दिक्कतों को, मैं 4 शब्द कहता हूं कई बार, सर्च, स्प्रेड, सेलिब्रेट एंड सेंस द अनमेट नीड। मतलब हर युवा को 4 काम करने हैं, नए नवाचारों को ढूंढना है, नवाचारों को फैलाना है, नवाचारों का सम्मान करना है। आप उनको मिलिए, उनको बुलाइए जिन्होंने समस्याओं को हल कर लिया। मैंने अभी आपको भेजे थे, हमने पूरी दुनिया से बहुत सारे आविष्कारों को इकट्ठा किया और उनको पुरस्कार दिया, और उसमें एक पुरस्कार जो मुझे बहुत पसंद है, इक्वेडोर का बहन का एंड्रिया का, उसने सड़क के किनारे जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको सिखाया कि अगर महिला के ऊपर कोई भी कोई उनका साथ शोषण करने की कोशिश करे तो उन पर हमला कर देना। आप अंदाजा लगा सकती हैं, और वो खुद फिजिकली चैलेंज है लेकिन उसने भोगा था इस तकलीफ को। तो उसने सड़क के कुत्तों को ट्रेनिंग करने के लिए एक फाउंडेशन बना दी, जो सड़क के किनारे, जो सड़क पर कुत्ते जीते हैं उनको सिखा दिया, कोई भी औरत जा रही है उसके ऊपर कोई आदमी कुछ उठाता है, हाथ उठाता है, कुछ करता है, तुम झपटा मारो उसके ऊपर, डिफेंसिव फोर्स ऑफ डॉग्स। तो मतलब कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए हम कोई नया तरीका नहीं ढूंढ सकते। सेंस अनमेट नीड, वो उन जरूरतों को ढूंढो जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया, चाहे वो आपके दादा दादी की हो, आपकी माँ की हो। अब आप देखिए, हमारा चकला बेलन होता है ना, मैं अंत में उसे का उदाहरण लेता हूँ, रोटी बेलती है ना माँ, तो जो चकला है उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है तो झुकना पड़ता है ना, तो दर्द होता है यहाँ पर। इतने साल से हम इतने बड़े हो गए, हमने खाना बनाना देख लिया, सब कुछ देख लिया, पंजाब में मिला मुझे एक चकला जो खड़ा ऊंचा था और उसके नीचे एक हुक था कि बेलन को जमीन पर मत रखना, उस हुक में लगा देना। एक मैंने एक ही चकला देखा ऐसा जलंधर के अंदर। तो मतलब कि समाज सोचता तो है लेकिन प्रसार नहीं हो पाता इन चीजों का। तो मैं तीसरी जो मैंने कहा ना कि ढूंढो, फैलाओ, सम्मान करो और उन समस्याओं का, उनकी लिस्ट बनाओ जो अभी तक अधूरी है, और वो हमारा काम है आगे बढ़ाने का कि हम उनके समस्या के इलाज ढूंढे, नहीं मालूम है औरों से बांटे, कोई तो ढूंढेगा, लेकिन समस्याओं के साथ जीने का, अन्याय के साथ जीने का, किसी का शोषण हो रहा है उसके साथ जीने से आपको आदत पड़ जाती है। हमारी भाषा, हमारा जीवन शैली, हमारा तरीका ऐसा ही हो जाता है जिसके अंदर हमें फिर परेशानी नहीं होती उस शोषण से। वरना कैसे हो सकता है ये देश कि करोड़ों लोग जा रहे थे, हमने एक छोटा सा उसमें प्रयास किया, मैं उस उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ अपनी बात को, खाने के बदले ज्ञान। तो हमने कहा, हमने अन्नपूर्णा नाम से ज्ञान, मेरे साथी हैं अनामिका और बाकी लोग किशोर ज्ञान में, तो उन्होंने कहा कि सर ये 700 लोग हैं, ये अभी अटके हुए हैं, इनको खाना की दिक्कत हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ दिया है। हमने कहा चलो हम खाना खिलाएंगे उनको,
लेकिन ऐसे नहीं चढ़ाएंगे कि उनको लगे कि हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान था, मैंने परमिशन ली पुलिस से, मैं गया उनके पास, उनको समझाया कि भाई देखो ऐसा है, हम खाना देंगे, आप हमको ज्ञान देना अपना, ताकि आपको ना, आपके पास जो चीज है वो हमको कहीं से नहीं मिलेगी, हम जो दे रहे हैं वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मतलब हम जो दे रहे हैं वो कम कीमत का है, आपके पास जो है वो ज्यादा कीमत का है, एहसान आपका हम पे रहे, हमारा एहसान आप पे नहीं है। थोड़ी गरिमा पैदा करने की कोशिश की उस काम में, ताकि उस काम से हमें दमना हो जाए और उनको उनका स्वाभिमान चोट नहीं पहुंचा जाए। हमने ऐसे ऐसे अनुभव सीखे उस दौरान में, और चार पांच जगह किया, ये हमने कश्मीर में किया, मदुराई में किया, अहमदाबाद में किया, और मेरी इच्छा थी कि बाकी लोग जो थे सारे देश के वो करते तो कितना अच्छा होता, हमारे इन लोगों का जो माइग्रेंट है उनके सिर्फ मजदूरी की बात नहीं करते, उनके दिमाग की बात करते हैं। लेकिन चलिए जितना भी हुआ, साबित हुई ये बात कि आप कोई भी संबंध हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको गरिमापूर्ण बना सकते हैं, उसमें से हिंसा को दूर कर सकते हैं, स्वाभिमान को और उनके स्वाभिमान को बचा सकते हैं। कोई भी काम करें हम, कभी भी ये बहुत सारे लोग कई बार सोचते नहीं है इस बात पर, हम हमारा दिल उबलता है जब कभी कभी करोना आती है, तो हम सोचते हैं भाई चलो हमने उसको दे दिया, उसको ये प्रॉमिस, उसको देने कहते हैं कि देने वाले को इदं नमम, हमारे यहाँ कहा गया एक मंत्र के अंत में आता है वैदिक मंत्रों में, इदं नमम, मेरा नहीं था जो मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हारा था, तुमको वापस किया। ये भावना जब तक नहीं आएगी ना, हिंसा को मूल रूप से नष्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करना है, होगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।